जो स्टूडेंट आज के बीए एजुकेशन के सब्जेक्ट में आज का टॉपिक है शिक्षा के स्वरूप। शिक्षा के स्वरूप मुख्य रूप से पांच प्रकार के माने जाते हैं। इनमें से सबसे पहले हम क्रम से अगर पाते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहले औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन, इसके बाद अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन, इसके बाद औपचारिकेतर शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन को शामिल किया जाता है, इसके बाद सामान्य शिक्षा जिसे हम सामान्य स्कूली शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं जिसे जनरल एजुकेशन भी कहते हैं, और इसके बाद विशिष्ट शिक्षा जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को रखा जाता है सामान्यतः। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों को भी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा में मुख्य रूप से आजकल जो विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है, स्कूल विद्यालय महाविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंतर्गत से जो शिक्षा दी जा रही है वो फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। इसमें निश्चित रूप से पाठ्यक्रम, समय सारणी यानी टाइम टेबल, सिलेबस, टीचर, स्टूडेंट और आसपास का वातावरण सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है, इसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में ऐसी शिक्षा आती है जिसमें कोई भी चीज अनिश्चित होती है, जीवन के किसी भी समय किसी से भी कहीं भी और कहीं पर भी हमें शिक्षा प्राप्त हो जाती है, उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसका कोई निश्चित समय, निश्चय पाठ्यक्रम, निश्चित कोई टीचर नहीं होता है, यह हमें आकस्मिक तरीके से अचानक से प्राप्त होने वाली शिक्षा मानी जाती है। औपचारिकेतर शिक्षा वह शिक्षा है जो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के मध्य की स्थिति होती है, और इसीलिए इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। सामान्य शिक्षा वह स्कूली शिक्षा है जो कक्षा एक से और 10 तक की कक्षा में आजकल प्रदान की जा रही है, जिसमें लगभग सभी विषयों का अध्ययन छात्रों को कराया जाता है ताकि वह सभी विषयों के बारे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने ज्ञान को अर्जित कर सकें। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा मानी जाती है जिसमें जिसके द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यक्ति को तैयार किया जाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इत्यादि। कहने का तात्पर्य है कि व्यवसायिक शिक्षा वह है जो सामान्य स्कूली शिक्षा से आगे बढ़ते हुए किसी विशेष व्यवसाय में व्यक्ति को पारंगत बनाने का कार्य करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा के पांच स्वरूप हैं, लेकिन इन स्वरूपों में औपचारिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा को हम एक ही रूप में ग्रहण कर सकते हैं, इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिखा है। लेकिन अगर शुरुआत में देखें तो औपचारिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा में कक्षा 10 तक लगभग एक जैसी स्थिति होती है। इस प्रकार से शिक्षा के पांच स्वरूप माने गए हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की।